छीन लिया ना मुझसे मेरी मम्मा को, सुशा को भी छीन लिया आपने तो, मुझे बिल्कुल बिल्कुल अनाथ कर दिया। मुझे भी आप अपने पास बुला लीजिए देवी माँ, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। क्यों जीऊँ मैं, किसके लिए जीऊँ मैं, बताइए। सब कुछ छीन लिया ना, सब कुछ छीन लिया, तो मेरी जान भी ले लीजिए। सुजय प्लीज तुम भी बात को समझो, प्लीज ये बेवकूफी छोड़ दो। सही नहीं है सुजय, यही सही है। मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा उसका, ना तो मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं और ना ही मेरे बिना तुम। अरे आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। सुजॉय हमारी बात मानो, छोड़ दो मुस्कान को। देखो उसके उसको लेके कहीं मत जाओ। यहां से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया था सुजॉय। मुस्कान को तो लेकर जाऊंगा यहां से, और साथ में तुम बाप बेटों की जान भी। कुछ छीना तुम लोगों ने मुझसे, आज मैं तुम दोनों की सांसें छीनूंगा। तुम क्या बोल रहे हो बे? अरे वही बोल रहा जो तुम दोनों करते आए हो हमेशा। बचपन में तुम्हारे बाप ने हमारा सुख चैन हमसे छीन लिया और जवानी में तुम चले आए। एक बात अच्छे से जानते, जब मुस्कान को यहाँ से लेके निकलेंगे ना, तो ना तो तुम्हारा बाप चैन से बैठेगा और ना ही तुम चैन से जीने दोगे हमें। और मुस्कान तभी चैन की सांसें ले पाएंगे जब तुम दोनों की सांसें बंद होंगी। इसीलिए मेरे बंदूक से निकली पहली गोली तेरे बाप को नाक पे पहुंचाएगी और दूसरी गोली तुझे साथ में ले जाएगी उसके पीछे। ये तेवर अच्छे लगे आपके इंस्पेक्टर साहब? आपका प्लान इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी थी उसमें। अब हम आपको दिखाएंगे कि इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्लान हम घर से बना के निकले थे, और उस प्लान के तहत आज यहां से आप और आप यानी मुस्कान की लाशें निकलेंगी। चलो यहाँ से, नहीं सुचो मुझे यही रहना है। सुजॉय की मौत का जॉय तो मुझे मिल गया, लेकिन असली मुस्कान मेरे चेहरे पे तब आएगी जब तू मरेगी।
भूल चुके थे कि आप हमारे बाप हैं। अगर आप एक कदम भी आपने मुस्कान की ओर बढ़ाया, साहब भूल जाएंगे कि आप हमारे माँ के पति हैं। हमारा खून हो इस दो कौड़ी की नचनिया के लिए तुम पूरा परिवार नष्ट करने पे उतरे हो। इसके लिए अपने बाप को मारने के लिए तैयार हो? कोई बात नहीं, आज हम भी देखते हैं कि हमारे ट्रिगर दबाने से पहले तुम्हारी गोली यहाँ कैसे लगती है। जरा गोली कहते तुम यहाँ पर क्यों आई? माँ माँ तू 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 बीच में आता, वही आदमी कुछ भी कर सकता अपने आपको बचाने के लिए, तू तू बीच में आता। माँ गायत्री जी अच्छी तरह जानती हैं हमारे परिवार की और हमारी असलियत, और फिलहाल तुम हमारे परिवार के विरुद्ध खड़े हो। ठंडक हो गई खुशी, अब हंसना खिलखिलाकर तेरी वजह से ये सब हो रहा है। आज एक बाप बेटा खून के प्यासे बने पड़े। नीचे क्या देख रही? इधर देख, मेरी तरफ देख, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। नाम है मुस्कान और सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया है तूने हमें। तेरा नचाया हुआ ना ये सब निकाल आके खड़ा कर दिया तूने मेरे परिवार को। तो लड़का दूल्हा बनकर किसी की मांग में सिंदूर भरने जा रहा था, आज वो अपनी मांग के सिंदूर को मिटाने के लिए हाथ में गन लेके खड़ा है। तू देख सकती है ना रौनक, तू उसके बाप के हाथों मिटते हुए मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं। रौनक मेरे बच्चे देख, तेरी माँ ना जुबान खो सकती है, अपना मान खो सकती है, अपनी सारी खुशियाँ खो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को और अपने सुहाग को ऐसे ऐसे खोने की हिम्मत नहीं है बेटे मेरे लिए। देख आज तक मैंने तुझसे सिर्फ हक से मांगा है, जो भी मांगा है हक से मांगा है, आज विनती कर रही हूँ घर नीचे कर दे और मेरे साथ घर चल। माफ कर दे माँ, हम जहाँ भी जाएंगे मुस्कान हमारे साथ जाएगी। मैं तुझे इस लड़की के साथ घर ले जाने के लिए आई हूँ। चल जैसा तूने कहा है वैसा हो जाएगा। माँ मत रोइए। कैसे रोको इन आंसुओं को, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, कैसे रोको? माँ प्लीज खुद को संभालिए, और सबसे पहले तो आप ये आंसू पोंछिए और ये सोचिए कि अब हम आगे क्या करेंगे। देखिए अगर आपने अभी कुछ नहीं किया ना माँ, तो फिर सच में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या कर सकती हूँ मैं, मेरे वश में क्या है? माँ देखिए आप रौनक जी और मुस्कान को सबसे पहले वापस इस घर में लाएंगे। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं ये संभव नहीं है। क्या बोल रही हो तुम काजल? माँ ये संभव है, आप शांत हो जाइए और मेरी बात समझिए। देखिए माँ रौनक जी को इस घर से निकाल कर आप उन्हें मुस्कान के और भी ज्यादा करीब कर रही हैं,
प्रॉब्लम रौनक जी को घर से निकालने पर नहीं सुलझेगी। आप उन्हें घर वापस लाइए, अपने करीब रखिए और उनके दिल से मुस्कान को बाहर निकालिए, क्योंकि पापा जी रौनक जी से अभी मिलने गए हैं और अगर कहीं उस मुस्कान ने उन दोनों के बीच कोई ऐसी चिंगारी लगा दी जिससे कि आप लोग, ये परिवार, पूरा घर, मैं और रौनक जी उसमें जलकर राख हो जाए, इससे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए, जल्द से जल्द जाना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। वाह माँ, क्या सही सुर पकड़ा है आपने भी। लगता है कि देवी माँ भी वही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ।